गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओके, एंड वी ऑल्सो डिस्कस हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज द लेसन ऑफ योर EVS चैप्टर नंबर 11, पार्ट्स प्लांट्स अराउंड अस, ओके. सो दिस इज द वेरी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ऑल राइट, If I talk about a house, you can see that there are so many parts in a particular house like roof, doors, windows. In the same way, plants has many parts too. So here we will discuss the parts of the plant. So first part of the plant are leaves. Leaves are the parts of the plant, and you can see them, they are green in the color and they are very different parts, different types according to the plant. Means sometimes they are pointed, sometimes they are thick, sometimes they are soft and small. It depend on the particular plant, right? So leaves play very essential role in the plant's life, because leaves of a plant make food for the whole plant, right? यानी कि लीव्स जो होती हैं प्लांट की, वो उसके पूरे पार्ट, पूरे पूरी बॉडी के लिए, यानी कि प्लांट की जो फुल बॉडी होती है उसके लिए फूड प्रिपेयर करती है. ओके, सो लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर डिफरेंट इन कलर. कभी कभार ये लाइट ग्रीन होती हैं, कभी डार्क ग्रीन होती हैं, कभी पॉइंटेड होती हैं इस तरह से, कभी राउंड शेप में होती हैं, राइट? तो ये डिफरेंट शेप में होती हैं अकॉर्डिंग टू द प्लांट. मीन अगर कोई प्लांट किसी कभी कभार ये इस तरह से भी बनी होती है, तो हर प्लांट की लीव्स की जो शेप होती है वो अलग ही होती है. अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज़ फ्रूट. सो बिफोर गोइंग टू द फ्रूट, वी विल डिस्कस फ्लावर, बिकॉज फ्लावर जनरेट फ्रूट लेटर. ओके, यानी कि फ्लावर से ही फ्रूट बनते हैं, तो पहले हम फ्लावर्स को डिस्कस करेंगे. सो द फ्लावर प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स. अब सीड्स क्या होते हैं? फ्लावर्स यू मे सी एंड यू कैन यू ऑल नो अबाउट द फ्लावर्स. सो दे आर वेरी एसेंशियल, दे प्ले वेरी एसेंशियल रोल इन द प्लांट्स लाइफ, बिकॉज दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स. सीड्स लेटर ऑन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. ओके, लाइक अगर सीड्स हमारे पास होंगे फ्लावर्स के थ्रू, हमारे पास जो सीड्स बनकर तैयार होंगे, हम उन्हें दोबारा से एक प्लांट की तरह से तैयार कर सकते हैं. उन्हें सॉइल में दबाकर और बकायदा हम उसे वाटर और एयर देकर, सनलाइट देकर, हम उससे एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं. सो सीड्स आर जस्ट लाइक अ बर्थ, दे गिव बर्थ टू अनादर ट्री, दे गिव बर्थ टू अनादर प्लांट. ओके, सो फ्रूट प्ले वेरी एसेंशियल रोल इन द प्लांट्स लाइफ. दे ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रूट्स दैट वी ईट इन द डिफरेंट फॉर्म्स. And see grow into new plant. So flower is very important. Next part is stem. So what is stem exactly? So you all can see this part. This part is called stem. Okay, this is the base and the main part of the plant. इसी के ऊपर सारे fruits, फ्लावर्स और लीव्स लगे हुए होते हैं. एंड ये भी अलग अलग तरह का होता है, कभी ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, कभी हार्ड होता है, कभी थिक होता है, कभी थिन होता है, अकॉर्डिंग टू द ट्रीज नेचर, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्लांट. ओके, सो यू ऑल कैन सी दैट द स्टेम कैरीज फूड एंड वाटर टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. इट्स मेन फंक्शन इज टू कैरीज फूड एंड वाटर. मीन्स मैंने आपको बताया कि ये मेन प्लेस पर होता है, ये इस तरह से होता है और यहीं से इसकी ब्रांचेस जा रही होती हैं. ब्रांचेस पे लीव्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ओके, और फ्लावर्स भी होते हैं. तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि स्टेम जो होता है वो ही प्लांट के सारे पार्ट्स को, फूड और वाटर, डिफरेंट पार्ट्स में कैरी करता है, यानी पहुँचाता है. ओके, सो ये हो गया आपका स्टेम का फंक्शन. नेक्स्ट है आपका रूट. सो रूट की एक बार हम इमेज देख लेते हैं, जिससे आपको इजी रहे इसे समझने में. दिस वन इज द इमेज ऑफ रूट. यस, दिस इज रूट. ओके,
सो ये आपको बाहर से दिखाई नहीं देती बिकॉज इट इज़ अंडर द सॉयल. ये सॉइल के यानी जो मिट्टी होती है उसके अंदर होती है और उसके ऊपर स्टेम आपको सबसे पहले स्टेम से स्टार्ट होता है प्लांट और वहाँ पर इसके ऊपर लीव्स फ्रूट सीड्स और ये फ्लावर्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं. आप यू कांट सी जनरली रूट बिकॉज इट इज़ इनसाइड ऑफ द सॉइल राइट. सो नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ रूट. सो रूट होल्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड. ओके मीन्स अगर स्टेम के थ्रू अगर प्लांट स्टैंड कर रहा है तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ द रूट्स रूट्स की वजह से कर रहा है ना. सो दे ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वाटर होता है. वाटर भी वहाँ पर प्रॉपर कंडीशन में अवेलेबल होता है. तो ये रूट्स का वर्क होता है कि वो वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स और वाटर. उसके बाद स्टेम उसको बाकी के सारे पार्ट्स में भेजता है. ठीक है. सीड्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं न्यू प्लांट्स को ग्रो करने में. फ्लावर हेल्प करते हैं सीड्स को जनरेट करने में और फ्रूट्स को जनरेट करने में दैट वी ईट राइट. एंड ऑन द अदर हैंड लीव्स ऑफ अ प्लांट मेक फूड फॉर द होल प्लांट. ओके यानी कि जो लीव्स होती हैं वो पूरे के पूरे प्लांट के लिए फूड बनाती हैं. सो दे आर जस्ट लाइक दे प्ले अ रोल ऑफ कुक. कुक की तरह वो बिल्कुल रोल प्ले करते हैं. एंड दे ग्रो फ्रूट्स फ्रूट ग्रो फ्रॉम फ्लावर. फ्रूट्स जो बनते हैं वो फ्लावर से बनते हैं राइट. तो ये आपके बॉडी ये बॉडी पार्ट्स थे प्लांट के. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ वी विल डिस्कस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. ओके आपने कभी नहीं देखा होगा कि प्लांट्स को आपने कुछ खाने के लिए दिया हो. नेवर. दे आर ऑलवेज गिवर्स. वो हमेशा हमें देते हैं एंड वी कांट गिव देम एनीथिंग. हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते. सो प्लांट हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड. प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर. ओके दे गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल. ओके दे रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड प्लांट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड सनलाइट फ्रॉम द सन. एंड बाय मिक्सिंग ऑल द थ्री कंटेंट्स प्लांट्स मेक देयर ओन फूड राइट. सो दिस इज द वीडियो अबाउट द प्लांट्स देयर स्ट्रक्चर एंड हाउ दे वर्क हाउ दे मेक देयर फूड. आई होप यू अंडरस्टैंड. So thanks for watching. If you have any problem regarding this, so you can ask directly or you can message me anytime. Thank you.